नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 8:55 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:43 से शुरू होकर कल की दोपहर पहले 11:40 तक सुकर्मा योग रहेगा। साथ ही आज रात 10:06 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आज अंगार की चतुर्थी है। साथ ही आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर, आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन जेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जायद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 1 फरवरी की देर रात 3:49 से अगली सुबह 6:44 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 6:45 से देर रात 1:08 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 12 फरवरी की सुबह 7:03 से सुबह 8:38 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त अगले महीने 1 फरवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:54 तक और एक बार फिर सुबह 9:21 से दोपहर 2:04 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 7:40 से सुबह 8:28 तक और एक बार फिर सुबह 9:55 से दोपहर 2:51 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:29 से दोपहर 2:25 तक और एक बार फिर शाम 4:40 से रात 11:34 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर 2:21 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी कि 31 जनवरी की सुबह 7:10 से सुबह 7:58 तक और एक बार फिर सुबह 9:25 से दोपहर पहले 11:36 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है, इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 2:02 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन कर्क, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी।
ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:36 तक, मुंबई दोपहर बाद 3:40 से शाम 5:05 तक, चंडीगढ़ दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:35 तक, लखनऊ दोपहर बाद 3:02 से शाम 4:24 तक, भोपाल दोपहर बाद 3:19 से शाम 4:41 तक, कोलकाता दोपहर 2:36 से दोपहर बाद 3:59 तक, अहमदाबाद दोपहर बाद 3:38 से शाम 5:01 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर बाद 3:15 से शाम 4:42 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज जो शुभ दिशा है पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। आज नौकरी अथवा व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें, दूसरों के भरोसे काम नहीं छोड़ें, किसी से लिए रुपए को जल्द से जल्द चुकता करेंगे, अपने वैवाहिक जीवन को आज खास बनाएंगे, मानसिक रूप से किसी बात को अधिक सोच सकते हैं, आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आज फैमिली के साथ बाहर खाना खाने का प्लान बनाएंगे, अपने व्यवहार में लचीलापन बनाए रखें, लोग आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए स्पेशल रहेगा। दांपत्य रिश्ते में चल रही अनबन आज खत्म होगी, एक दूसरे के साथ रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे। बच्चे आज बेहद खुश रहेंगे, उनकी डिमांड आज माता पिता पूरी करेंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, जल्द ही सफलता के योग हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आज आप फिट रहेंगे, आज आपको कोई कंपनी बड़े प्रोजेक्ट के लिए हायर कर सकती है, आज आपको फोन पर कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, इससे घर में खुशियाँ आएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। ऑफिस के रुके कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, आज शांत मन से कोई भी निर्णय लेना बेहतर रहेगा। दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, आज बेटे की किसी परीक्षा का रिजल्ट उनके हक में आएगा। शुगर की समस्या से परेशान लोग आज अपने खान पान पर परहेज रखें, सोना चांदी के व्यापारियों को आज अच्छा लाभ होगा। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, करियर को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों से सलाह मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 4। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपके निजी जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिन्हें आप बखूबी पूरा करेंगे, आपका किसी बिजनेस मीटिंग में परफॉर्मेंस आपकी अच्छी रहेगी और आसपास के लोग आपसे प्रभावित होंगे, जिससे आपका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। आज किसी काम में उलझने से अच्छा है किसी बड़े की सहायता ले लें। पारिवारिक जीवन में सौहार्द बढ़ेगा, आज संतान पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। राजनीति से जुड़े लोगों को कि आज किसी बड़े नेता से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज अपने आर्थिक पक्ष को देखते हुए खर्च करेंगे, आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों से बचकर रहने की जरूरत है, आपको अपने कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, आज आपको उम्मीद से कई गुना ज़्यादा लाभ होगा, आपको कोई अच्छी नौकरी जल्द मिलेगी, आज आपकी समस्याएं खत्म होंगी। ऑयली फूड से जितना हो सके दूर रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा है, कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहने वाला है। दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहें, जरूरत पड़ने पर आपको मदद लेनी पड़ सकती है, आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बनेगी, काफ़ी समय से सोची कोई चीज़ आज खरीद सकते हैं।
आप अपने खाली समय का सदुपयोग नई चीज़ें सीखने में करें जो आपकी उन्नति में योगदान देगा। छात्रों को आज अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जीवनसाथी के साथ आज आप शॉपिंग करने जाएंगे। आज आप बिजनेस की गति बढ़ाने के लिए नई योजना बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज हैवी ट्रैफिक की वजह से आपको ऑफिस के लिए आप लेट हो सकते हैं। आमदनी की तुलना में व्यय की मात्रा अधिक रहेगी। आज आपके विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा। आज इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों या मशीनरी पर खर्च आदि की संभावना अधिक रहेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जिस किसी भी कार्य को करने को सोचेंगे उसमें सफलता जरूर मिलेगी। पिता आपके जिम्मेदार व्यक्तित्व को देखकर गर्व महसूस करेंगे। इस राशि के लवमेट आज मनपसंद जगह पर घूमने जाएंगे। कार्यक्षेत्र में नई योजना बनाएंगे जिसके माध्यम से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपकी इनकम के हिसाब से खर्चे बढ़ेंगे। कार्यों में आ रही रुकावटें आज समाप्त होंगी। आज माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। आज बच्चे अपने मन की बात माता से शेयर करेंगे तो उनको अपनी परेशानी का हल मिल जाएगा, जिससे उनका मन काफ़ी खुश होगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। काम के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। जीवनसाथी से रिश्ते में आपसी तालमेल बनाए रखें। अगर आप कपड़े का व्यापार करते हैं तो रोज से अधिक का मुनाफा आज होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे। इस राशि के राजनीतिज्ञ सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे। किसी नई शुरुआत करने अथवा नौकरी में परिवर्तन के मामले में आप गंभीरता से विचार करेंगे। आज दोस्तों के साथ किसी रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनेगा। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं आज खत्म होंगी। वाहन आदि लेने के सुखों का योग है। संतान पक्ष की उन्नति से घर में उत्साह बढ़ेगा। दांपत्य रिश्ते में सौहार्द बढ़ेगा। जीवन साथी आज आपके लिए कुछ खास काम करेंगे जिससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहने वाला है। बड़े भाई की सहायता से काम को जल्द और आसानी से पूरा कर लेंगे। आपके घर के वातावरण में सुख समृद्धि बढ़ेगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़ा काम आज फाइनल हो जाएगा। आपकी अधिक इनकम से आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो आपके व्यापार में लाभ कराएगा। लवमेट अपने रिश्ते की बात घर वालों से करेंगे। घर वाले इस पर विचार विमर्श करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आज कुछ नया करने की सोचेंगे। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेहनत करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कारोबार में आज कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जो भविष्य में फायदेमंद रहेंगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। बुजुर्गों का मन बहलाने के लिए उन्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। अगर आपके रिश्ते की बात कहीं चल रही है तो जल्द फिक्स होने की खुशखबरी मिलेगी। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिली जुली प्रतिक्रिया से भरा रहेगा। आज किसी बात से आप बेहद खुश होंगे। सिंगर्स को किसी एल्बम की प्रसिद्धि के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक करें। इस राशि के लोगों को काम के साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। सिविल इंजीनियर्स को आज बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लवमेट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। व्यापारिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को स्टेशनरी का सामान दें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज आँखों में काजल लगाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमय दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखकर उनकी हर संभव मदद करेंगे। मूलांक 2, बिल्डर्स की आज अच्छी सेल से अधिक लाभ होगा जिससे मन उत्साहित रहेगा। मूलांक 3, आज अपने दोस्तों को बर्थडे की पार्टी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में देंगे। मूलांक 4, लवमेट को आज साथ घूमने का मौका मिलेगा।
जिससे आपका रिश्ता मजबूत बनेगा। मूलांक 5, इंटर्नशिप के छात्रों का दिन अच्छा रहेगा, आज सीनियर से कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिलेगा। मूलांक 6, पैतृक संपत्ति में आ रही रुकावटें आज खत्म होंगी, संपत्ति मिलने से खुशी मिलेगी। मूलांक 7, डॉक्टर्स के लिए दिन ऊर्जावान रहेगा, अपने कार्य को पूरी मेहनत से करेंगे। मूलांक 8, हार्डवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। मूलांक 9, नव विवाहित दंपति के रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, आज एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में फ्लैट के मुख्य दरवाजे के बारे में। यदि दक्षिण दिशा में खुलने वाला मुख्य दरवाजा एक गैलरी में खुलता हो, उसके आगे खुला स्पेस ना हो, दरवाजे के आगे दीवार उसे ब्लॉक कर रही हो, तो दक्षिण दिशा के वास्तु के बुरे फल उस फ्लैट के मालिक को नहीं मिलेंगे। ये तो फ्लैट के मुख्य दरवाजे की बात थी, और अब बात खिड़कियों और बालकनी की। फ्लैट में मुख्य द्वार से ज्यादा ध्यान देने की बात खिड़कियों और बालकनियों की है। जिस फ्लैट की ज्यादा से ज्यादा खिड़कियां पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा में खुलती हों, वो फ्लैट बेहद शुभ होगा। भले ही उस घर का मुख्य दरवाजा पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर न हो। यही स्थिति बालकनी की भी होनी चाहिए। उत्तर दिशा, पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में बालकनी बेहद शुभ है। दक्षिण पूर्व और दक्षिण दिशा में भी बालकनी स्वीकार्य है। अगर उनके विपरीत दिशा में भी उतनी ही बड़ी या उससे बड़ी बालकनी मौजूद हो, लेकिन किसी भी सूरत में दक्षिण पूर्व दिशा में कोई बालकनी, कोई खिड़की या कोई ओपनिंग नहीं होनी चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा दक्षिण दिशा में फ्लैट के मुख्य दरवाजे के बारे में। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की उदया तिथि चतुर्थी और मंगलवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 8:55 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:43 से शुरू होकर कल की दोपहर पहले 11:40 तक सुकर्मा योग रहेगा। जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इस योग में कोई शुभ कार्य करना चाहिए। मान्यता के अनुसार इस योग में नई नौकरी ज्वाइन करें या घर में कोई धार्मिक कार्य, किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करना अच्छा रहता है। इस योग में किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती है और कार्य शुभ फलदायक होता है। ईश्वर का नाम लेने या सत्कर्म करने के लिए ये योग अति उत्तम है। साथ ही आज रात 10:06 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं, उन्हीं नक्षत्रों में से एक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। गिनती के आधार पर यह 12वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह विश्राम के लिए प्रयोग की जाने वाली चारपाई अथवा बेड के पिछले दो पायों को माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि इस नक्षत्र का पहला चरण सिंह राशि में आता है, जबकि इसके बाकी चरण 3 कन्या राशि में आते हैं, जिस वजह से उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंह और कन्या राशि के जातकों पर प्रभाव रहता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्यदेव हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध पाकड़ के पेड़ से बताया गया है। कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में इस पेड़ को पकड़िया के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पाकड़ के पेड़ के दर्शन करने चाहिए और उसके सामने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के दौरान पाकड़ के पेड़, टहनियों तथा उसकी पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उससे बनी किसी वस्तु को उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, आपके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे आज मनाई जाने वाली अंगारकी चतुर्थी के बारे में। आप जानते हैं कि प्रत्येक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत कर चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाता है। यहाँ एक बात ये समझ लेते हैं कि चतुर्थी तिथि बीते हुए कल की सुबह 6:46 से आज सुबह 8:55 तक रहेगी, यानी कि चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय बीती रात में ही हुआ था, कल हो चुका है। लिहाजा संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत कल ही किया जा चुका है।
अब शेष बात संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी। तो आज का दिन मंगलवार है और जब चतुर्थी तिथि मंगलवार को होती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहा जाता है। अंगारकी चतुर्थी ऋण मुक्ति के लिए अत्यंत उत्तम मानी जाती है। अंगारकी चतुर्थी बहुत सी चीजों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समझी जाती है और चूंकि आज सूर्योदय के बाद उदया तिथि अंगारकी चतुर्थी की है तो अंगारकी चतुर्थी आज ही मनाई जाएगी। तो ये सारी चर्चा थी आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और अंगारकी श्री गणेश चतुर्थी के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 1 से 3 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए वर्ष 2024 कैसा है इसका राई रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, यात्राएं होंगी और आपकी टेरिटरी बढ़ेगी। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे समुन्नत शरीर सौष्ठव वाले होते हैं। बड़े होकर इनकी देह यष्टि देखते ही बनती है। अगर ये पुरुष हैं तो बड़े होकर ये एक श्रेष्ठ नर साबित होते हैं। अगर ये कन्या हैं तो बड़ी होकर अपने शील की शीतलता से सबको खुशियां देने वाली होती हैं। ये बच्चे बहुत ही शांत और सौम्य स्वभाव के होते हैं। ये दूसरों की सहायता करने में एंजॉय करते हैं। ये परंपरावादी होते हैं, अपने डिसीजंस और कस्टम्स को आसानी से नहीं छोड़ते और परंपराओं पर या रूढ़ियों पर अगर कुल्हाड़ी चलाने का प्रयास हो तो ये डटकर उसका मुकाबला करते हैं। हालांकि ये बहुत मेहनती और स्वभाव से ही त्यागी होते हैं। प्रायोरिटी फिक्स करते समय ये अपने आप को सबसे पीछे रखते हैं। सारे त्याग और बलिदान के जज्बे के बावजूद ये मूल्यों से संभवतः समझौता कभी नहीं करते। अपनी लगातार मेहनत से राजनीति के क्षेत्र में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। इन बच्चों की जियोग्राफी बहुत अच्छी होती है। भूगोल विषय में ये बहुत अच्छे होते हैं। इनका दिशा ज्ञान भी बहुत बढ़िया होता है। आगे चलकर चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी ये अपने झंडे गाड़ सकते हैं। ये अपने हर काम को निहायत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करते हैं और काम में बाधा जाने पर व्यथित हो जाते हैं। मित्रता और संबंधों के मामले में इनकी गति दोपहर की छाया की तरह होती है। दोपहर में छाया बहुत छोटी होती है लेकिन जो जो समय बीतता जाता है छाया बड़ी होती जाती है। जो जो समय बीतता है इनकी दोस्ती बहुत मजबूत होती जाती है। इनको कंजूस प्रवृत्ति के लोगों से बड़ी सहायता मिलती है। अच्छे योजनाकारों से इन्हें बड़ी मदद मिलती है। लेखक, पत्रकार और संचार माध्यमों से जुड़े लोग सहज ही इनके मित्र बन जाते हैं। इसके विपरीत दूसरों की कला का शोषण करने वाले और पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता अख्तियार करने वाले लोग इनके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अकड़ू और भिड़ंतू लोग भी इनके गरिमापूर्ण व्यक्तित्व से ईर्ष्याग्रस्त होकर इन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। रात 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए रात 11 से 1 बजे के बीच का समय वरदान जैसा होता है, जबकि दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय इनके लिए उलझन और परेशानियां लेकर आता है। इनके लिए शुभ महीना है जनवरी, खुशियों की बरसात करने वाला है दिसंबर और तकलीफ देने वाला महीना जुलाई है। आपके लिए शुभ दिशा है ईशान, ईशान दिशा का उत्तरी हिस्सा। इनकी भाग्यशाली दिशा उत्तर है। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चों को पहाड़ों में अपना घर महसूस होता है। ये बच्चे उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा से अपना संबंध स्थापित करके अपने ज्ञान और सौभाग्य की निरंतर उन्नति कर सकते हैं। रात 1 से 3 के बीच पैदा हुए बच्चे अगर ईशान कोण की उत्तर दिशा में जाएंगे तो आपको लाभ होगा और अगर ये बच्चे अपने जन्म स्थान से उत्तर दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाएंगे तो वहां इन्हें चमत्कारिक लाभ होगा। लेकिन रात 1 बजे से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों को अपने जन्म स्थल से नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में पड़ने वाले शहरों और देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। वहां जाने पर बच्चे को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन अगर कभी बच्चे को नैऋत्य दिशा के दक्षिणी हिस्से में जाना पड़े तो उसे आगे बताए गए उपायों को करने से राहत मिलेगी। इनको अपने कमरे की ईशान दिशा के उत्तरी हिस्से में बैठना चाहिए और इसी हिस्से में नंदी पर बैठे हुए भगवान शंकर का चित्र लगाना अमृत के समान साबित होगा। उत्तर दिशा में मुख करना या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पढ़ाई करना या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करना इन बच्चों के लिए निहायत फायदेमंद होता है। रात के 1 से 3 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों के कंधे बेहद मजबूत होते हैं, वहीं इनका पेट भी खराब रहता है और इनके न्यूट्रिशन को हमेशा मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। रात 1 से 3 के बीच पैदा बच्चे अक्सर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। इनके लिए पीला रंग शुभ होता है, काला रंग अत्यंत शुभ होता है और लाल और गुलाबी रंग इन्हें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। इन बच्चों के कमरे की उत्तरी दिशा में पानी से भरा कोई बर्तन बेहद फायदेमंद होगा। वर्ष 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 और अब 2024 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होते हैं। वहीं 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 और 2020 में जन्मे लोग इनके लिए वरदान स्वरूप होते हैं, जबकि 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 और आने वाले समय में 2027 में जन्मे लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में रहना पड़े तो ये बच्चे क्या करें। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला है जबकि इसकी ड्रेस का रंग लाल या गुलाबी है, तो ये इस बच्चे के लिए ठीक नहीं। ऐसी दशा में आपको बच्चे के कपड़ों में एक पीले रंग का रुमाल रखना चाहिए और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी केसर, हल्दी या अक्वा अरोमा यानी कि पानी की जैसी गंध जैसे कि सी ब्रीज लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 1 से 3 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर अगर 1955, 1967, 1979 या 1991 में पैदा हुई है जो कि इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो आप बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर बैल का चित्र बना हो। ये स्थिति विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपनी पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। और अब जल्दी ही किसी दिन हम बात करेंगे जिनका जन्म रात 3 से सुबह 5 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है ए, आज आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सकता है। बी, आज परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे साथ ही घर की जिम्मेदारी को भी अच्छे से समझेंगे। सी, आज आप विश्वविद्यालय में किसी सेमिनार का संचालन कर सकते हैं। डी, आज आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा का समुचित उपयोग कर सकते हैं। ई, आज का दिन कंप्यूटर में प्रवीण बच्चियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। एफ, अपने मित्रों के साथ मिलकर वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे और उनकी जरूरतों को पूरा कर गर्व महसूस करेंगे। जी, आज आप अपने घर में कुछ पौधे लगा सकते हैं साथ ही सजावट भी करा सकते हैं। एच, आज आप अपने सहकर्मियों के साथ कोई फिल्म देखने जा सकते हैं। आई, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आर्टिकल्स ढूंढने आज आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। जे, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा, आपको कामकाज की वजह से थोड़ी थकावट हो सकती है। के, आज आप बच्चों के साथ रैन बसेरे में लोगों को कंबल बांटने जा सकते हैं। एल, आज आप किसी से दिल दुखाने वाली बात न करें, सहयोग भाव से काम करने से लाभ होगा। एम, आज आप कोई वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, परिवार के लोग प्रसन्न होंगे। एन, आज आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, लोग आपकी पर्सनालिटी से प्रभावित होंगे। ओ, आज आप अपने दोस्त के घर जाकर उन्हें सरप्राइज दे सकते हैं, वे बड़े प्रसन्न होंगे। पी, आज आप फालतू के खर्च को कम करके बचत करने की सोचेंगे,
जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। क्यों? आपके घर आज दूसरे शहर से कोई मेहमान सपरिवार आ सकता है, उनके सेवा सत्कार में व्यस्त रहेंगे। आर, आपको आज किसी संगीत समारोह में जाने का अवसर मिल सकता है। एस, आपके लिए आज का दिन अच्छे परिणाम लेकर आएगा, ये परिणाम आपके व्यवसाय से जुड़े होंगे। टी, आज का दिन आपके व्यवसाय में लाभ दिलाएगा जिससे बैंक बैलेंस मजबूत होगा। यू, आज आप अपनी माता जी को मंदिर ले जा सकते हैं, मन में भक्ति भाव रहेगा। वी, आपको आज नौकरी में पदोन्नति की खबर मिल सकती है जिससे आप प्रसन्न होंगे। डब्ल्यू, आज आप ऑनलाइन किसी कवि सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, लोग आपको सुनेंगे। एक्स, आज मीडिया से जुड़े लोगों से मिलकर आप पत्रकारिता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वाई, आज आपको सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। जेड, आज आपके काम की खूब तारीफ होगी, दोस्तों के साथ किसी अच्छी जगह पर पार्टी कर सकते हैं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार, यहाँ मधेपुरा में स्थित है सहेश्वरनाथ बाबा का धाम। इस स्थान को श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि कहा जाता है, जिसे पहले श्रृंगेश्वर कहा जाता था, बाद में ये सहेश्वर के नाम से प्रचलित हो गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ को संतान नहीं होने पर उन्हें श्रृंगी ऋषि द्वारा संतान प्राप्ति यज्ञ कराने की सलाह दी गई थी, जिसके बाद राजा दशरथ ने इनसे यज्ञ कराया। इसके बाद भगवान राम सहित 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति उन्हें हुई थी। श्रृंगी ऋषि द्वारा कराए गए यज्ञ से राजा दशरथ को 4 पुत्र होने के बाद सहेश्वर नामक स्थान पर लोग संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद लेने आने लगे। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 30 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है, ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज सुबह 8:55 तक रहेगी, उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि कल दोपहर पहले 11:37 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है, ये आपके रुतबे के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज किसी जरूरतमंद की मदद करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।